ये थ्री एलिमेंट्स हैं बेटा, थीटा, इंक्लिनेशन एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है आपका, हॉरिजेंटल के एकदम वर्टिकल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होंगे, पीएच और पीबी दोनों होंगे। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डिप एंगल। तो बोर्ड में डेफिनेशन ही लिखनी है, एंगल एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सबटेंड्स विद द हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सबटेंड विद द हॉरिजेंटल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिप एंगल। ठीक है, एंड एंगल बिटवीन, ये याद रखनी बेटा, लिखने को ही नहीं आएगा, यहाँ पूरी समझ जाओ और लिखना पो, ऐसा मत करना। थीटा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उल्टा नाम है एक तरह से, ये नीचे दिख रहा है तो इसका डिक्लिनेशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, ये बल्कि इंक्लिनेशन है। डिक्लिनेशन क्या होता है, दोनों जो वर्टिकल प्लेन्स हैं इनके बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। फाई जितना हॉरिजेंटल से है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी कॉस फाई इक्वल्स टू बी एच। तो बी इज इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस फाई। तो कभी आपसे पूछे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखिए एलिमेंट्स ये तीनों ही हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म के तीनों एलिमेंट्स थीटा, फाई और बी एच है। तो फिर बात आती है क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर। हाँ, मैग्नेटिक इक्वेटर पे फाई 0 होगा, बिल्कुल। यहाँ पे साथ में लिख भी सकते हैं कि पोल्स पर क्या होगा, फाई 90 डिग्री होगा। एट नॉर्थ नॉर्थ पोल ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल बिकम वर्टिकल विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड द अर्थ। अर्थ के क्लोज कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। थीटा इक्वल्स टू 0। ऐसे कैसे, साउथ पोल पे भी हो जाएगा, साउथ पोल का लिखा नहीं है। एट द साउथ पोल ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विल बिकम वर्टिकल विद इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड द अर्थ। ठीक है, थीटा 0 कहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। थीटा इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बिग सर्कल ऑन द अर्थ विच कंटेन बोथ एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड मैग्नेटिक एक्सेस इन इट्स प्लेन। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बना दो जो दोनों एक्सेस को साथ में कंटेन कर रहा हो, तो उस एक्सेस पर थीटा 0 हो। बी एच की डायरेक्शन एग्जैक्टली नॉर्थ में होगी, कंपास एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ बताए। ठीक है, तो कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से देखो आप, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली,